अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल आप देखें, यहाँ पर ये आपको साइन नज़र आ रहा है। सबको ये बात पता है, बड़ा मशहूर दुनिया में, कि ये एक तरह से डॉक्टर के लिए होता है या फर्स्ट एड किट के ऊपर ये साइन होता है। तो ये हमारा फर्स्ट एड स्टेशन का साइन है। क्रॉस रोड तो नहीं है, क्रॉस रोड आपको पता है कि आप रोड पर जा रहे हैं, आपके दाएँ और बाएँ से भी एक रोड आ रहा है, उस पर ट्रैफिक है, सामने से रोड आ रहा है, वो क्रॉस रोड कहलाते हैं। और एक डेंजर स्पॉट भी यहाँ पर नहीं है, ये साइन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एड स्टेशन का है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। व्हाट मस्ट यू रिमेंबर व्हेन यू सी दिस ट्रैफिक साइन। देखिए, ये ट्रैफिक साइन नॉर्मली वहाँ पर होता है जहाँ पर आपके पास शहर में किसी जगह पर लाइट चल रही है, लेकिन रात को अगर वहाँ पर लाइट बंद हो जाएगी तो आप वहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। ये साइन बहरहाल आपको खुद से याद करना होगा। इस साइन का मतलब ये होता है कि अगर ये आपके पास रेड साइन है और आप अपनी गाड़ी इस यहाँ एक रोशनी मौजूद है, साथ एक साइन लगा हुआ है, वो आप सपोज़ करें कि वो जो रोशनी है वो तकरीबन एक दो घंटे तक या रात को 12-1 बजे वो रोशनी बंद हो जाएगी, तो आपकी गाड़ी अंधेरे में आपको पार्क करना अलाउ नहीं है। व्हीकल्स मे नॉट बी पार्क्ड हेयर। ये अब व्हीकल्स आप पार्क कर सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा कि व्हीकल पार्क नहीं कर सकते, यहाँ पे ऐसा कोई साइन नहीं है। व्हीकल्स मे बी पार्क्ड हेयर ऑल नाइट विदाउट लाइट्स। तो यहाँ पर ये साइन भी नहीं लिखा हुआ कि आपकी व्हीकल पूरी रात आप यहाँ पर पार्क कर सकते हैं विदाउट लाइट। स्ट्रीट लाइटिंग डज नॉट स्टे ऑन ऑल नाइट। इस सवाल का मतलब ये है साइन का कि जो स्ट्रीट लाइट है, जो कहीं भी लाइट लगी हुई है गली के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से लाइट लगी हुई है, वो पूरी रात नहीं जली रहेगी, इसका मतलब ये है। यहाँ कहीं भी नहीं लिखा कि आप अपनी गाड़ी को जो है ऑल नाइट विदाउट लाइट्स के पार्क कर सकते हैं, या व्हीकल्स यहाँ आप गाड़ी आपको यहाँ पार्क करना अलाउ नहीं है। कोई रेड का साइन नहीं है, क्रॉस ऐसा डला हुआ कि गाड़ी के ऊपर क्रॉस बनाओ। तो इसका बस यही आंसर है, आपने इसको अपने जहन में भी रख लेना है। अगर आप चाहते हैं मज़ीद तो आप यहाँ पर जाके से हिलफे में जाके इसको मज़ीद रीड आउट भी चीज़ें कर सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, व्हाट डज दिस ट्रैफिक साइन इंडिकेट। देखिए, ये ट्रैफिक साइन है, ये साइन जो होता है जिस तरह ऑटोबान के लिए नीला है ब्लू, इस तरह बुंदिस स्ट्रासे के लिए या एक फेडरल रोड आप सपोज़ कर लें, कोई भी एक 100 किलोमीटर या 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाला जो रोड है, ये उसके उसका नंबर है कि 35 नंबर है उसका। तो ये फेडरल बुंदिस ट्रासे है, ये कोई स्पीड नहीं है। स्पीड नॉर्मली वो अलग से शो करते हैं, उसमें स्पीड रिस्ट्रिक्शन के अंदर नीला कलर, ब्लू कलर, जहाँ कहीं पीला कलर आ गया, पीले कलर से आपने जहन में ये रखना है कि कोई नंबर वगैरह के साथ अगर, तो वो बुंदिस ट्रासे का नंबर हो सकता है, उस रोड का नंबर हो सकता है। इस तरह मोटरवे में जर्मनी में बहुत सारी मोटरवे हैं, A1 से लेकर A9 से लेकर A8 यानी A8 तक, तो वो नीले कलर से शो होती हैं। तो ये येलो कलर फेडरल ट्रासे या बुंदिस ट्रासे का है। दूसरा ऑप्शन, व्हीकल में नो ड्राइव फास्टर देन 35 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे स्पीड की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये उसका साइन ही नहीं है, येलो कलर का साइन। व्हीकल में नो, तो आपने स्पीड से कोई कंसर्न नहीं है इसमें, इसका बस एक रोड की टाइप है जो कि आपने याद रखनी है, यानी फेडरल बुंदिस ट्रासे। अगला सवाल है, व्हाट डज दिस ट्रैफिक साइन इंडिकेट। ये ट्रैफिक साइन क्या शो करता है। ये ट्रैफिक साइन बहुत ज़्यादा आपको नज़र नहीं आएगा, ये मोटरवे का वो वाला हिस्सा होता है जो कि बहुत कम यूज़ होता है, ये साइन उसको रिप्रेजेंट करता है। एन ऑब्लिगेटरी डाइवर्जन फॉर द व्हीकल्स विद डेंजरस गुड्स। ये बता रहे हैं कि ये एक टर्न की तरफ इशारा कर रहा है कि अगर कोई ट्रक है या कोई गाड़ी है जो कि डेंजरस गुड्स, कोई ख़तरनाक अशिया लेके जा रही है, जैसे कोई जिसमें आग लग सकती है या फिर कोई दूसरी ख़तरनाक चीज़ें हैं, अगर वो लेके जा रहे हैं तो उनको लाजमन यहाँ पर टर्न लेना है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। द प्लेस वेयर द ऑटोबान मस्ट बी एग्जिटेड। नहीं, जब ऑटोबान को आपने एग्जिट करना है, अगर आपने हाउसफार्ट लेना है, उसका एक अलग साइन होता है, वो आने वाले सवालों में आगे आ जाएगा। एन ऑटोबान सेक्शन विच इज़ नॉर्मली नॉट यूज्ड वेरी मच। ऑटोबान का, मोटरवे का वो हिस्सा जो कि बहुत बहुत कम इस्तेमाल होता है, जो कि इस्तेमाल ना होने के बराबर, ये उसका साइन है। ये आपको कुछ चीज़ें जो आपने जहन नशीन करनी है, आप डायरी बना लें, चीज़ें नोट कर लें, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए, ये जो साइन है ये टनल का है कि आप टनल में एंटर होने लगे हैं। 2-3 बातें आप टनल में एंटर होने से पहले अपने जहन में बिठा लें कि टनल में आपने हमेशा डिप्ड हाई लाइट्स, बिल्कुल धीमी, आपने लाइट ज़रूर ऑन करनी है अपनी गाड़ी की फ्रंट लाइट्स, लेकिन डिप्ड, बिल्कुल वो उनकी हल्की सी इंटेंसिटी होगी, शिद्दत होगी। अगर आपने सन ग्लासेस लगाए हैं, वो फ़ौरन आपको उतार लेने होंगे। और अगर कहीं पर भी, ये जर्मनी में कॉमन रूल है, अगर आप ट्रैफिक जाम पे मोटरवे में या कहीं भी फंस जाते हैं, तो अपनी गाड़ी की पिछली 2 लाइट्स जो कि हैजर्ड लाइट कहलाती हैं, खतरे की लाइट कहलाती हैं, वो जलती बुझती हैं, आप उनको ऑन कर लेते हैं। ये बेसिक रूल है, हम सवालों में कवर करते हैं। चलिए, ड्यूरिंग डे लाइट यू इंटर लिट टनल मार्क लाइक दिस, व्हाट डू यू डू। कह रहे हैं दिन के उजाले में आप इस टनल में एंटर हुए जो कि रोशन है, टनल के अंदर लाइट भी होती है, तो आपको क्या करना चाहिए। आई स्विच ऑन द साइड लाइट, नहीं, आपने साइड लाइट ऑन नहीं करनी। आई स्विच ऑन द डिप्ड हाई लाइट्स, जो मेरी फ्रंट
की लाइट्स हैं उनको मैंने डिप बिल्कुल कम शिद्दत में उनको ऑन कर लेना है, आई डो नॉट हैव टू स्विच ऑन द लाइट्स, नहीं आपने लाइट ज़रूर ऑन करनी है, ये बुनियादी रूल है यहाँ पर कि अगर आपने आप टनल में एंटर होते हैं तो लाजमन आपने डिप हाईलाइट आपने अपनी हेडलाइट्स ऑन करनी है, लेकिन डिप यानी थोड़ी उनकी इंटेंसिटी उनकी शिद्दत कम होगी। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। ये सवाल है व्हाट डज दिस ट्रैफिक साइन इंडिकेट, ये ट्रैफिक साइन क्या बताता है। तो इस ट्रैफिक साइन को देखिए, अगर आप गौर से देखें ये गाड़ी है जो उल्टी पड़ी हुई है, अगर मैं गाड़ी को घुमाकर थोड़ा सा सीधा कर दूं तो एक गाड़ी है जो कि उल्टी, तो ये एक तरह का आपके पास एक बे होती है, एक छोटा सा रोड पर एमरजेंसी बे कहलाती है, अगर आपकी गाड़ी में कोई फॉल्ट आ गया है या फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया है तो आप इस गाड़ी आपको यहाँ पर इस जगह आप जा सकते हैं। देखिए देयर मे बी अ व्हीकल इन द नेक्स्ट एमरजेंसी बे, मैं जैसे साइन देखूंगा तो हो सकता है कि जो अगली एमरजेंसी बे है वहाँ पर कोई गाड़ी मौजूद हो, उस पर कोई डैमेज हो गया हो तो वो वहाँ पर इंतज़ार कर रहा हो किसी की मदद आने का। इन केस ऑफ ब्रेक डाउन यू शुड स्टॉप इन द एमरजेंसी बे इंडिकेटेड, अगर आपकी गाड़ी में कुछ ब्रेक डाउन होता है, कोई टायर फट जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको इस एमरजेंसी बे में अलग से रास्ता रोड के ऊपर रास्ता होता है आपने उसमें जाके अपनी गाड़ी को खड़ा कर देना है। यू मे स्टॉप हेयर टू हैव अ ब्रेक, ऐसा कोई साइन नहीं है ये ब्रेक या वो नॉर्मली पी लिखा होता है या अगर मोटरवे के ऊपर या कहीं भी आप देखते हैं तो वहाँ पर वैसे वगैरह होता है उसके लिए डब्ल्यू सी वगैरह के लिए कुछ ब्रेक की कुछ जगह होती है, लेकिन ये कोई ब्रेक का साइन नहीं है, ये आपके पास एमरजेंसी ब्रेक का साइन है। अच्छा जी अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब जो कि दोबारा एक टनल से रिलेटेड सवाल है कि व्हाट डू यू हैव टू डू व्हेन यू सी दिस ट्रैफिक साइन, या आपने साइन देखा तो आप क्या करेंगे। स्विच ऑन द डिप्ड हाईलाइट्स, ये बात जेहन में बिठा लें, जैसे ही आप एंटर होंगे टनल के अंदर दिन हो के रात हो आपने डिप्ड हाईलाइट्स हेडलाइट ज़रूर ऑन करनी है, अपनी गाड़ी की जो फ्रंट लाइट है उनको थोड़ा सा उनकी कम इंटेंसिटी के साथ डिप झुकी हुई ऑन कर देनी है। टेक ऑफ योर सनग्लासेस, आपने अगर चश्मा पहना हुआ है सूरज का चश्मा हो, निगाह का तो खैर नहीं, अगर सूरज सनग्लासेस आपने चश्मा लगाया हुआ है जोनन ब्रिले जो आप सूरज की रोशनी से बचने के लिए पहनते हैं वो आप उतार लें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसकी अपनी भी रोशनी मौजूद है और कोशिश करें कि ये रूल है कि आप सनग्लासेस उतार लें। स्विच ऑन द हैजर्ड वार्निंग लाइट्स, हैजर्ड वार्निंग लाइट को ऑन कर लें, ऐसा नहीं है हैजर्ड वार्निंग लाइट आप तब ऑन करते हैं जब अगर आपकी इधर टनल के अंदर ट्रैफिक जैम होता है तो आप पीछे आने वाली गाड़ियों को बताने के लिए कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम हुआ है अपनी हैजर्ड लाइट ऑन कर देते हैं। ये हम हैजर्ड लाइट को हम इसका फर्दर जो है आगे देखेंगे, इसके इसका सवाल आगे भी आएगा। तो अब हमारा अगला सवाल है, ये भी टनल से रिलेटेड है। यू ड्राइव इनटू अ ब्राइटली लिट टनल, आप रोशन एक टनल के अंदर दाखिल हुए विच इज़ इंडिकेटेड लाइक दिस, ये टनल है आप इसमें दाखिल हो गए, व्हाट डू यू डू, क्या करना चाहिए। ड्राइव विद डे टाइम रनिंग लाइट्स, नहीं आपने डे टाइम की रनिंग लाइट ऑन नहीं करनी, जेन में बिठाने डिप्ड हेडलाइट्स, हमेशा डिप्ड हेडलाइट ऑन करनी है। ड्राइव विदाउट लाइट भी ठीक नहीं है, रनिंग लाइट्स डे टाइम की वो भी ऑन नहीं करनी, डिप्ड हेडलाइट्स आपने हमेशा ऑन करनी है। तो ये हमारा आंसर है। अगला सवाल है व्हाट डज दिस ट्रैफिक साइन कॉम्बिनेशन इंडिकेट, देखिए ट्रैफिक साइन का कॉम्बिनेशन एक ट्रैफिक साइन है, ये आमतौर पे इसको हम लोग काम जोन कहते हैं, काम एरिया, यहाँ पर आप जब भी चलेंगे बिल्कुल अपनी पैदल चलने वाली रफ्तार, इसको जर्मन में श्रिट गेशुंडशाइट भी कहते हैं, बिल्कुल वॉकिंग पेस के ऊपर 4, 5, 6, 7 किलोमीटर पर आवर पर चलेंगे। अगर ये साइन नीला वाला होता तो अब ये उस कामिंग जोन रेड हो गया, मतलब कामिंग जोन यहाँ पर आके फिनिश हो रहा है, तो यहाँ पर होता है यहाँ पे क्या एंड हो रहा है, द एंड ऑफ अ ट्रैफिक कॉमिंग जोन, आपका एक ट्रैफिक कॉमिंग जोन है वो एंड हो रहा है, ये बात ठीक है। पेडेस्ट्रियन जोन जी नहीं था, पेडेस्ट्रियन जोन जो होता है शायद आपने देखा हो नीले कलर के दायरे में पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाले लोग बने होते हैं वो पेडेस्ट्रियन जोन होता है, ये पेडेस्ट्रियन जोन नहीं है जिसमें घर है गाड़ी है कुछ लोग रोड पर खेल रहे हैं, ये ट्रैफिक कॉमिंग जोन कहलाता है। अ चिल्ड्रन प्लेग्राउंड, ये चिल्ड्रन प्लेग्राउंड भी नहीं है जो एंड हुआ है, ये जहन में रखें, प्लेग्राउंड का साइन अलग है, ये ट्रैफिक कामिंग जोन है, इसका सिर्फ पहला ऑप्शन ही हमारा दुरुस्त है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब, ये सर आप लोग राइट बिफोर लेफ्ट और राइट ऑफ द वे के अंदर भी टॉपिक में देख चुके हैं कि ये ट्रैफिक साइन का क्या मतलब है, ये ट्रैफिक साइन जो है प्रायोरिटी का साइन होता है, नो पार्किंग, हाँ इसके साथ एक और चीज़ भी आती है कि अगर आपकी प्रायोरिटी रोड पर है आउटसाइड बिल्डअप एरियाज तो आप पार्किंग नहीं कर सकते, मे बी आप स्टॉप कर सकते हैं हार्ड शोल्डर के ऊपर अपनी गाड़ी को, लेकिन आप अपनी मेन स्ट्रीट के ऊपर आउटसाइड बिल्डअप एरिया शहर से बाहर की जो जगह हैं जहाँ पर आपको 80 या 100 की स्पीड अलाउ है आप कैरिज वे यानी रोड के ऊपर गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, प्रायोरिटी रोड के ऊपर कभी भी पार्क नहीं कर सकते, विद इन सिटी कर सकते हैं लेकिन आउटसाइड ऑफ सेटलमेंट्स यानी शहर से बाहर आपको प्रायोरिटी रोड के ऊपर अलाउ नहीं है। इस ट्रैफिक साइन का एक ये मतलब है, दूसरा तो हमें पता ही है कि ये एक प्रायोरिटी रोड है,
तो इसके ये दो आंसर हैं, जहन में बिठा लीजिए कि जहाँ कहीं प्रायोरिटी रोड आपका आउटसाइड सेटलमेंट होगा, बिल्डअप एरिया से बाहर होगा, तो वहाँ पर हमेशा आप पार्किंग नहीं कर सकते, कैरिज वे के ऊपर स्टॉप कर सकते हैं। वो आगे हम कुछ सवाल मज़ीद देख भी लेंगे उसके हवाले से। हमारा ये सवाल भी मुकम्मल हो गया है। अब हमारा अगला सवाल है, व्हाट डज दिस ट्रैफिक साइन इंडिकेट। देखिए ट्रैफिक साइन का क्या मतलब है, ये आपके पास एक ट्राम की लाइन है, नहीं ट्राम की लाइन का नंबर आपको इस तरह नज़र नहीं आता, या आपको नज़र आ रहा है कि ये एक बूंदी स्ट्रासे हो सकती है, येलो कलर और एरो शो कर रहा है कि उसकी डाइवर्जन है, यानी वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है, ये एरो उसको बता रहा है कि ये आपने इस तरफ जाना है। तो देखें ये अंडरग्राउंड पार्किंग भी हमें कहीं से नज़र नहीं आती, ना ये ट्राम की लाइन है। ट्राम की लाइन का सिंबल बिल्कुल अलग होता है, ये है अ नंबर डाइवर्जन, एक एक डाइवर्जन है U3 जो आपने लेनी है बुंदेल स्ट्रासे के ऊपर, ये उसकी निशानी है। हमारा अगला सवाल है, व्हाट डू यू हैव टू बी अवेयर ऑफ व्हेन यू सी दिस ट्रैफिक साइन कॉम्बिनेशन। देखिए आपको पता है ये मेरा प्रायोरिटी का साइन होता है कि मुझे प्रायोरिटी है, और वो रोड जिसमें मुझे प्रायोरिटी है वो बाएं जानी मुड़ रहा है। आपने शायद अगर हमारा राइट राइट ऑफ द वे वाला टॉपिक अगर आप देखें उसको रिपीट करें, तो वहाँ पर हमने काफ़ी दफ़ा ये चीज़ क्लियर की है कि आपका जो प्रायोरिटी का रोड है उस पर ये बाएं जानी मुड़ रहे हैं, तो वो आपको प्रायोरिटी रोड है। तो हम ज़रा देखते हैं इसका क्या मतलब है। वट डू यू हैव टू बी अवेयर ऑफ वैन यू सी दिस ट्रैफिक साइन। जब इस ट्रैफिक साइन को देखेंगे तो आपको क्या पता होना चाहिए। द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक टू द लेफ्ट इज प्रिस्क्राइब्ड, कि मुझे यहाँ ये बताया जा रहा है कि मैं बाई ज़्यादा मुड़ जाऊँ, नहीं मुझे सिर्फ यहाँ ये बताया जा रहा है कि प्रायोरिटी रोड है, मैं एक प्रायोरिटी रोड पर हूँ, मेरी प्रायोरिटी है जो कि लेफ्ट साइड पे मुड़ रहा है। इफ़ आई कंटिन्यू ड्राइविंग स्ट्रेट अहेड आई हैव टू सिग्नल राइट टर्न, नहीं अगर मैं सीधा जा रहा हूँ तो मुझे राइट टर्न राइट इंडिकेटर देना होगा। आपको पता है अगर आपने सीधा जाना है आप कभी भी इंडिकेटर नहीं देते, दाएँ या बाएँ मुड़ते हुए देते हैं। इफ़ आई एम फॉलोइंग अ प्रायोरिटी रोड आई हैव टू सिग्नल अ लेफ्ट टर्न, बिल्कुल आपको पता है आप एक प्रायोरिटी रोड पे हैं जो कि उल्टी जाने मुड़ रहे हैं। अगर आप भी उल्टी जाने प्रायोरिटी रोड पे मुड़ते हैं और आप उल्टे हाथ पे मुड़ रहे हैं लेफ्ट हैंड पे, तो आपको उल्टे हाथ का इंडिकेटर देना है, आई हैव टू सिग्नल अ लेफ्ट टर्न, ये इसका आंसर है। अब हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं, व्हाट इज़ द करेक्ट एक्शन ऑन रोड्स विद दीज टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव साइकिल लेन्स। आप देखिए साइकिल की लेन है, तो यहाँ पर क्या चीज़ दुरुस्त है, मतलब हमें यहाँ पर यहाँ इन्होंने तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से हमें देखना है कि यहाँ पर क्या चीज़ दुरुस्त है। देखिए आप यहाँ पर पार्किंग नहीं कर सकते, और आप यहाँ पर अपनी जो गाड़ी है वो थोड़ी देर के लिए ड्राइव कर सकते हैं अगर सामने से ट्रैफिक की सिचुएशन क्लियर नहीं है, लेकिन वो भी उस सूरत में जब साइकिल साइकिल वाले को आप डिस्टर्ब ना करें। तो देखते हैं आई में यूज़ द प्रोटेक्टिव लेन टू असिस्ट पार्किंग, बिल्कुल भी नहीं, आप पार्किंग के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ वाजह तौर पर साइकिल का सिंबल है, साइकिल वाले का पाथ है। इन नो इवेंट ड्राइव ऑन द प्रोटेक्टिव लेन, आप कभी भी प्रोटेक्टिव लेन के ऊपर ड्राइव कर ही नहीं सकते। नहीं देखिए आप यहाँ ड्राइव कर सकते हैं, मैंने आपको बताया अगर सामने ट्रैफिक की सूरत हाल ऐसी है आपको ये प्रोटेक्टिव लेन के ऊपर चलना पड़े, साइकिल पीछे से ना आ रही हो तो आप चल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पाबंदी है। ड्राइव ऑन द प्रोटेक्टिव लेन्स वेन नेसेसरी, आप इस प्रोटेक्टिव लेन के ऊपर भी चल सकते हैं बेशक आपका गाड़ी आधी यहाँ पर हो आधी उस तरफ हो। इफ़ देयर इज़ नो रिस्क टू साइकिलिस्ट, अगर साइकिलिस्ट को किसी भी किस्म का कोई रिस्क ना हो, कोई उसके लिए गंभीर सूरत हाल कोई परेशानी की वजह ना बने, आप उसका रास्ता ना रोकें, तो आप इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए प्रोटेक्टिव लेन पर ट्रेवल कर सकते हैं। वट मस्ट यू डू अपाउन सींग दिस ट्रैफिक साइन, कि जैसे ही आप ये ट्रैफिक साइन देखना है तो आपने क्या करना है। देखिए जेबरा क्रॉसिंग है, यहाँ से पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाले गुजरेंगे। आई मे नॉट रिमेन स्टेशनरी ऑन द पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग इफ द ट्रैफिक बैक्स अप, मैं इस अगर मेरे पीछे ट्रैफिक है और मुझे आगे भी ट्रैफिक नज़र आ रही है, तो मैं इसकी ऐसा ना हो कि मैं जब मैं ट्रैफिक में जाऊं तो मैं बिल्कुल मैं इसके ऊपर जाके जैम हो जाऊं, मेरी गाड़ी इसके ऊपर जाके मुझे रोकनी पड़े क्योंकि मेरे आगे भी गाड़ी है। कभी भी आपने इस ज़ेबरा क्रॉसिंग को ब्लॉक नहीं करना, ये बस ध्यान में रखें। सो आई मे नॉट रिमेन स्टेशनरी ऑन द पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग इफ़ ट्रैफिक बैक्स अप, तो ये ऑप्शन इसका हो गया। आई मस्ट अलाउ द पेडेस्ट्रियन टू क्रॉस द रोड, जो पेडेस्ट्रियन है मुझे उनको अलाउ करना है कि वो रोड क्रॉस करें क्योंकि ये उनका हक है, उनकी प्रायोरिटी है, आपने उनको अलाउ करना है। आई मस्ट अप्रोच एट ए मॉडरेट स्पीड, मैं बिल्कुल ही मुनासिब स्पीड पर आऊँगा, मुझे पता है सामने ज़ेबरा क्रॉसिंग है, लोग क्रॉस कर सकते हैं। इफ़ इट इज़ क्लियर डेट पेडेस्ट्रियन वॉन्ट टू क्रॉस द रोड, अगर पेडेस्ट्रियन रोड क्रॉस करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल ही हल्की स्पीड के ऊपर आऊँगा, बल्कि ये भी मुमकिन है कि मुझे उससे पहले ब्रेक भी लगाना पड़े ताकि पेडेस्ट्रियन रोड क्रॉस कर सकें। तो ये सारे ऑप्शन इसके दुरुस्त हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट यू बी प्रिपेयर्ड फॉर हेयर, ये एक साइन है, आपको यहाँ पे किस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए।
फरकेयर्स हेल्पर, देखें ये कुछ यहाँ पर लोग हैं जो कि ट्रैफिक बच्चों की हेल्प कर रहे हैं ट्रैफिक में। तो यकीनन बच्चे रोड पर हैं, तो आपने अपनी गाड़ी की स्पीड भी हल्की करनी होगी। अगर आप खुद से जहन में सोचें, हम ज़रा ऑप्शन देखते हैं। डेट चिल्ड्रन विल क्रॉस द रोड मोर फ्रिक्वेंटली देन यूजल। बिल्कुल यहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है कि बच्चे जो हैं वो रोड क्रॉस कर सकते हैं नॉर्मल सिनेरियो से भी ज़्यादा यहाँ, क्योंकि बच्चों ये सामने बच्चे भी मौजूद हैं। दूसरा है डेट द फ्लोइंग ट्रैफिक विल कम टू अ स्टॉप। बिल्कुल अगर बच्चे रोड क्रॉस कर रहे हैं तो जो ट्रैफिक होगी वो रुक जाएगी उनको जगह देने के लिए, ये भी मुमकिन है। द चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग ऑन द रोड अंडर सुपरविजन। ये कोई आपको ऐसा लग रहा हो शायद कोई रैकेट है, जब भी उन्होंने ऑप्शन दिया है कि शायद बच्चे कुछ टेनिस वेनिस खेल रहे हैं या बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो यहाँ पर ये नहीं है ये ऑप्शन यहाँ, क्योंकि यहाँ पर बहरहाल ऐसा कोई नहीं है कि बच्चे किसी की सुपरविजन में जो है क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं या सॉरी टेनिस खेल रहे हैं या फिर बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो ये ऑप्शन नहीं है। बस ये दो ऑप्शन है जो हमने देख लिए। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। देखिए आपको याद होगा मैंने आपको बताया था एक ट्रैफिक कॉमिंग जोन होता है जो कि इस साइन का होता है, अगर इसके ऊपर रेड आ जाए तो वो ट्रैफिक कॉमिंग जोन वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ट्रैफिक कॉमिंग जोन की कुछ बेसिक शराइत हैं, आप यहाँ पर बिल्कुल हल्की स्पीड में चलेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट गिशुन डिस्कार्ड जिसको हम कहते हैं बिल्कुल वॉकिंग पेस चलने वाली पैदल चलने वाली स्पीड पे, और आई मे ओनली पार्क और डेजिग्नेटेड प्लेसेस। बिल्कुल ये एरिया में जो कि रेजिडेंट एरिया है यहाँ पे लोग रोड को भी इस्तेमाल करते हैं, तो आपने सिर्फ जो वो जगह जो है ही सिर्फ पार्किंग के लिए जहाँ पे लिखा है पार्क प्लाट्स पार्किंग एरिया आप वहीं पे पार्क करेंगे, रोड पे पार्क नहीं कर सकते, जो कि नॉर्मली हम शहरों में रोड पे गाड़ी पार्क कर लेते हैं ठीक जगह पर, लेकिन यहाँ पर नहीं कर सकते। आई मे नोट इम्पीड पेडेस्ट्रियंस। बिल्कुल जो पैदल चलने वाले हैं मैं उनको उनके लिए रुकावट का बायस नहीं मुझे नहीं बनना, क्योंकि अगर वो ये रोड उन्हीं के लिए रोड वगैरह यूज़ करेंगे तो मुझे अपनी ट्रैफिक अपनी स्पीड बहुत हल्की रखनी होगी। आई हैव टू ड्राइव एट वॉकिंग स्पीड। बिल्कुल 6-7 किलोमीटर पर आवर या 10 किलोमीटर पर आवर से कम की स्पीड के ऊपर आपने यहाँ पर चलना है। ये शराइत हैं कुछ ट्रैफिक कामिंग जोन की, ये आपने जहन में रखनी है। अगला सवाल है व्हाट डज दिस ट्रैफिक साइन कॉम्बिनेशन मीन टू यू। ये ट्रैफिक साइन का कॉम्बिनेशन का क्या मतलब, हम देख चुके हैं मेरी प्रायोरिटी है और प्रायोरिटी रोड किस जानब मुड़ रहा है उल्टे हाथ पे मुड़ रहा है, देखते हैं इसका क्या मकसद है। आई एम नॉट परमिटेड टू टर्न राइट और ड्राइव स्ट्रेट अहेड। यहाँ पर ऐसा कोई भी हमें निशानी नहीं मिल रही कि मैं सीधा नहीं जा सकता या मैं सीधे हाथ पे नहीं मुड़ सकता, ये इसका आंसर नहीं है। आई एम ऑन अ प्रायोरिटी रोड डेट बेंड्स लेफ्ट। बिल्कुल मैं उस प्रायोरिटी रोड पर हूँ जो कि उल्टे हाथ पे मुड़ रहा है, प्रायोरिटी रोड उल्टे हाथ पे मुड़ रहा है, ये इसका दुरुस्त आंसर है। इफ़ आई कंटिन्यू ड्राइविंग स्ट्रेट अहेड आई हैव टू अलाउ राइट ऑफ वे टू व्हीकल्स अराइविंग फ्रॉम द राइट। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरा प्रायोरिटी रोड है, तो मैं जिस डायरेक्शन में चाहूँ जा सकता हूँ, अगर क्रॉस ट्रैफिक है तो उसके ऊपर उल्टा ट्राइंगल होगा रेड शीट होगी उसको रुकना होगा, मेरी प्रायोरिटी है तो आई हैव टू अलाउ द राइट ऑफ वे टू द व्हीकल अराइविंग फ्रॉम द राइट। ये मुझे उनको नहीं अलाउ करना, उनको रुक के मेरा मुड़ने का या सीधा जाने का इंतज़ार करना है, तो यहाँ पर सिर्फ ये एक आंसर ही दुरुस्त मालूम होता है। आगे चलते हैं व्हाट डज दिस ट्रैफिक साइन इंडिकेट। इस ट्रैफिक साइन का क्या मतलब है, देखें ये सोल जो है कस्टम को कहते हैं, अगर आप जर्मन लैंग्वेज में थोड़ा बहुत अगर चीज़ों को गौर करें तो सोल जो है वो कस्टम पॉइंट होता है, जिस तरह हमारे यहाँ भी हमारे शहरों में हमारे मुल्कों में भी कस्टम होता है कस्टम कंट्रोल, ये कस्टम को कहते हैं, तो ये आपको बहरा याद करना पड़ेगा कस्टम पॉइंट। अगले सवाल पर चलते हैं व्हाट इज़ करेक्ट इन दिस सिचुएशन। देखें ये एक सिचुएशन है जहाँ पर ये शहर है कोई विल्स्टर, रेड साइन आ गया वो शहर ख़त्म हो गया और एरो बता रहे हैं कि 6 किलोमीटर के बाद एक नया सिटी शुरू हो रहा है शॉर्टन, तो आप शहर से बाहर निकल गए हैं आपका बिल्डअप एरिया ख़त्म हो गया है, आप फेडरल स्ट्रासे बुंदेस स्ट्रासे पर आ चुके हैं। जैसे ही आप उस शहर में एंटर होंगे उस शहर की बड़ी शील्ड दोबारा आएगी और आपको 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर या 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलना होगा, फिलहाल शहर ख़त्म हो गया है। तो एट दिस पॉइंट अ डेविएशन एंड, हमने कोई डेविएशन नहीं देखी जो बता रही हो कि डेविएशन थी या कोई उमलाइटिंग थी, अब बिल्डअप एरिया एंड्स, यहाँ पर हमारा एक बिल्डअप एरिया जिसका नाम विस्टर था एक शहर था वो ख़त्म हो गया, अब बिल्डअप एरिया स्टार्ट्स नहीं, बिल्डअप एरिया स्टार्ट है 6 किलोमीटर बाद, उसकी भी अगर कोई आगे सवाल आया तो वहाँ पर हम इसको देख पाएंगे। अब हमारा अगला सवाल है जिसके अंदर व्हाट डू यू हैव टू ऑब्जर्व इन ट्रैफिक सिचुएशन लाइक दिस। इस ट्रैफिक सिचुएशन के अंदर आपको क्या ऑब्जर्व करना है हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक बाइक वाला है जो किसकी बाइक ख़राब हो गई है वो बाइक पर जा रहा है। आई मे नॉट क्रॉस द सेंटर लाइन इफ़ दिस वुड इंडेंजर द अदर ट्रैफिक। बिल्कुल देखें ये जो लाइन है सॉलिड नहीं है, ये बिल्कुल फिक्स लाइन नहीं है, इसमें बीच में गैप है, मतलब मैं इस लाइन को क्रॉस कर सकता हूँ ओवरटेक करने के लिए, लेकिन तब
मैं नहीं क्रॉस करूंगा इफ़ आई वुड इंडेंजर अदर ट्रैफिक, अगर सामने से आने वाले ट्रैफिक को मैं खतरे का बाइस बन सकता हूँ, ठीक है। दूसरा, क्रॉस द सेंटर लाइन इन ऑर्डर टू ओवरटेक, बिल्कुल मैं सेंटर लाइन सॉलिड नहीं है, मुकम्मल मुकम्मल नहीं है, बीच में टूटी हुई है, तो मैं इसको मैं ओवरटेक करने के लिए थोड़ा इस गाड़ी के साइड पे होने के लिए इस रोड पे आ सकता हूँ सामने से अगर कोई ट्रैफिक नहीं है, फिर वापस ओवरटेक करके आ जाऊँगा, ये यहाँ पर मुमकिन है। तीसरा, क्रॉस द सेंटर लाइन इन ऑर्डर टू पास बाय द ऑब्स्ट्रक्शन, बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्शन अगर यहाँ पर कोई है उसको क्रॉस करने के लिए मैं इसके बिल्कुल साथ से नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा इस लाइन को क्रॉस करके इस तरफ आ जाऊँगा इस शर्त पर कि सामने से कोई ट्रैफिक ना आ रही हो। जैसे ही मैं इसको ऑब्स्ट्रक्शन को पास कर लूँगा, ओवरटेक कर लूँगा, मैं अपनी लेन में वापस आ जाऊँगा। तो ये जवाब इसका होगा और ये जवाब भी हमारा दुरुस्त है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। यू वॉन्ट टू पार्क ऑन द रोड ऑन द राइट हैंड साइड एज ऑफ अ कैरिज वे, आपने कैरिज वे के राइट हैंड साइड पे पार्क करना है। हाउ बिग इज द मैंडेटरी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन योर व्हीकल एंड द सॉलिड लेन बाउंड्री लाइन, कितना डिस्टेंस ज़रूरी है कि आपकी गाड़ी और सॉलिड लेन बाउंड्री के दरमियान हो। तो यहाँ पर ये होता है कि अगर आपने अपनी गाड़ी को पार्क करना है, अब सपोज़ करें इस तरह का एरिया, अगर यहाँ पर एक सॉलिड लाइन है तो इसके दरमियान और लाइन के दरमियान तकरीबन 3 मीटर का फासला होना ज़रूरी है। ये आपको याद करना पड़ेगा अगर आपको गाड़ी पार्क करनी है राइट हैंड साइड पे किसी रोड के, तो कितना मिनिमम डिस्टेंस है जो कि आपकी गाड़ी और सॉलिड लेन की बाउंड्री के दरमियान हो, आप अगर साइड पर गाड़ी पार्क करना चाहते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये 3 मीटर इस बनता है। आप एक डायरी बना लें जिसमें इस तरह के मैथमेटिकल चीज़ें जो आपको याद करनी है आप अपने तौर पर उसको याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। व्हाट डू यू डू व्हेन यू सी दिस ट्रैफिक साइन ऑन ऑटोबान, अगर ऑटोबान के ऊपर आप एक ट्रैफिक साइन देखें, आपको याद होगा ये हमने ट्रैफिक साइन पहले भी सॉल्व किया है, जिसका मतलब होता है आगे ट्रैफिक कंजेशन है, ट्रैफिक आगे जैम है, पैक हुई हुई है, तो हमें क्या करना होगा, इन केस ऑफ ट्रैफिक जैम ब्रेक एंड स्विच ऑन हैज़र्ड वार्निंग लाइट्स, अगर ट्रैफिक जैम है तो आपने ब्रेक करना है और हैज़र्ड की जो आपकी वार्निंग लाइट है, खतरे की जो लाइट आपकी गाड़ी के पीछे जलती हैं जो कि ऑन ऑफ होती हैं, आपने उनको ऑन करना है। ये बेसिक शर्त होती है मोटरवे के ऊपर, या अगर आप टनल में से गुजर रहे हैं तो आपने ब्रेक लगाना ही है और साथ में आपने जो हैज़र्ड वार्निंग लाइट्स है उनको भी आपने ऑन कर लेना है। दूसरा है, इन केस ऑफ ट्रैफिक जैम मूव ओवर ऑनटू द हार्ड शोल्डर एंड प्रोसीड, कि अगर ट्रैफिक जैम है तो मेन लाइन को छोड़ के हार्ड शोल्डर जो रोड के साथ वाला छोटा सा हिस्सा होता है उस पर चलना शुरू कर दें और जारी रखें अपना सफ़र। नहीं, आपने हार्ड शोल्डर पे कभी भी नहीं जाना, नॉर्मली हार्ड शोल्डर जो है वो हल्की गाड़ियों के लिए होता है, अगर मोटरवे पर नहीं है, बुंदी स्ट्रासे वगैरह पर है, या फिर कभी कोई गाड़ी ख़राब हो गई उसकी पार्किंग या रुकने के लिए होता है, आपने उस पर नहीं जाना। इंक्रीज़ योर अलर्टनेस, आगे ट्रैफिक जाम है तो अपनी शऊर को, अपनी आगाही को, अपनी मालूमात को बढ़ाएं, गौर से देखें, एज ए मैटर ऑफ प्रिकॉशन इंक्रीज़ योर डिस्टेंस टू द व्हीकल इन फ्रंट, और एहतियातन जो आपसे आगे गाड़ी है उससे अपना फासला मज़ीद बढ़ा लें, ऐसा ना हो कि वो अचानक से ब्रेक लगाए और फासला कम हो तो आपकी गाड़ियों में टकराव हो जाए। ये इसका जवाब है। आगे चलते हैं। व्हाट मस्ट यू डू व्हेन यू सी दिस ट्रैफिक साइन, कि आपने जब भी ट्रैफिक साइन देखा तो आपको क्या करना चाहिए। ट्रैफिक साइन अब देखें, ये एक शार्प लेफ्ट बैंड है, एक शार्प बैंड है जो कि उल्टे हाथ पे मुड़ रहा है। रिड्यूस स्पीड बिफोर द बैंड, बैंड से पहले आपको अपनी स्पीड कम करनी होगी, क्योंकि अगर आप स्पीड से क्रॉस करेंगे ये सवाल आगे आएंगे जिसके अंदर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह देखते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स FC=mv²/r, उसका फार्मूला होगा वो हम देखेंगे कि स्पीड के हिसाब से और रेडियस के हिसाब से, गाड़ी की स्पीड के हिसाब से ऐसा हो सकता है कि आपकी जो गाड़ी है वो दायरे से बाहर निकल जाए अगर आप ज़्यादा स्पीड से शार्प लेंगे तो। किसी भी टर्न से पहले आपने अपनी स्पीड को हल्का करना है। ड्राइव एज फार एज पॉसिबल ओवर ऑन द राइट हैंड साइड, बिल्कुल, क्योंकि आपने उल्टे हाथ पे मुड़ना है तो जितना हो सके आप सीधे हाथ पे रहें और उसके बाद आप एक ईजली लेफ्ट हैंड पे टर्न ले सकें। तो ये शार्प बैंड से, ये बहुत ही शार्प बैंड है, तो आपको थोड़ा अपना आप बचाते हुए थोड़े से सीधे हाथ पे भी रहना होगा, इतना क्विक आप, इतना तेज़ आप शार्प बैंड नहीं ले सकते। इंडिकेट लेफ्ट बिफोर द बैंड, देखिए आप अपने डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे, ये एक रोड था जो कि थोड़ा सा ऐसे करके मुड़ रहा है, आप मुकम्मल बाई जा रही भी नहीं बोल रहे, तो आपको इंडिकेटर देने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं आएगी। अगला सवाल देखते हैं। दो एरो हैं यानी 3 किलोमीटर के फासले पे कुछ चीज़ शुरू हो गई है, वो क्या? ट्रैफिक, ये आपके पास ट्राइंगुलर रेड यानी आपको ख़तरा है, किससे? हिरन से, हिरन से या कोई भी जंगली जानवर है उससे ख़तरा है, 3 किलोमीटर तक आप एहतियात करें, जो कि 3 किलोमीटर दो एरो हैं, 3 किलोमीटर का फासला शुरू हो चुका है, अगले 3 किलोमीटर आपको गाड़ी बहुत ध्यान से चलानी होगी।
डू नॉट अवॉइड हिटिंग गेम एनिमल इफ ऑन कमिंग ट्रैफिक वुड बी इन डेंजर, अगर आने वाले ट्रैफिक को खतरा हो रहा है और हिरन को या जो भी आपका जो कोई जंगली जानवर है उसको आपने लाजमी आपको उसे टकराना पड़ सकता है। ऐसा ना हो कि आप उसको बचाते बचाते आप अपने स्टेयरिंग मूव करें और आने वाली गाड़ी से टकरा जाएं, तो उस सूरत में आप उस जंगली जानवर को या जो हिरन है जो भी उसको हिट, डू नॉट अवॉइड, ना बचें ना घबराएं उनको, अगर आप हिट करके कोशिश करें सामने से आने वाली गाड़ी को बचाने। डिप द हेडलाइट, अपनी गाड़ी की जो लाइट है उसको बिल्कुल कम कर दें क्योंकि हिरन रोशनी को देख के या वो जानवर चुंधिया जाएगा, हो सकता है कि वो गाड़ी की तरफ आए या वो बिल्कुल रोड के बीच में रुक जाए। एंड ब्रेक व्हेन यू सी गेम एनिमल, आप जैसे ही गेम एनिमल को देखें, जैसे ही आप जानवर को देखें, आप थोड़ी सी ब्रेक लगा लें, अपनी स्पीड को कम कर लें। ड्राइव मोर स्लोली, हल्का चलाएं, वॉच आउट फॉर गेम एनिमल्स, और इस साइन को देखते ही आपको पता है कि हिरन वगैरह आ सकते हैं, जंगली जानवर आ सकते हैं, तो थोड़ी हल्की गाड़ी चलाएं और गौर से देखते रहें कोई जानवर वगैरह साइड से निकल जंगल से निकला तो नहीं है, रोड पे तो नहीं आया। तो ये चीज़ें आपको अपने जहन में रखनी होंगी। वट मस्ट यू बी प्रिपेयर्ड फॉर अपॉन सीइंग दिस ट्रैफिक साइन, ये ट्रैफिक साइन अगर आप देखें ये बताता है कि हवा चल रही है, ये हवा का बताता है कि हवा की शिद्दत कितनी है। तो जब हवा चल रही है तो आपकी गाड़ी उस हवा से आगे पीछे हिल सकती है, तो आपको ये साइन देखकर किन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। एयरक्राफ्ट ओवरहेड, सर के ऊपर जहाज़ है, ये उस साइन, ये उसका साइन नहीं है, ये आपको हवा से ख़तरे के लिए आगाह कर रहा है। फॉर काउंटर स्टेयरिंग, काउंटर स्टेयरिंग ये होती है कि अगर हवा आपकी गाड़ी को उल्टे हाथ की तरफ, इतना हवा का दबाव है कि आप उल्टे हाथ की तरफ आपकी गाड़ी को दबाव लग के वो उस तरफ जा रही है, तो आप काउंटर स्टेयरिंग का मतलब ये है आप अपना स्टेयरिंग सीधे हाथ पे घुमाएं ताकि हवा का जो प्रेशर है, जो इफेक्ट है, जो आपकी गाड़ी को धकेल रहा है उल्टी जाने, उल्टे हाथ पे, आप उसको काउंटर कर सकें, उसको रोक सकें। तो हवा तेज़ होगी तो आपको काउंटर स्टेयरिंग के लिए तैयार रहना है, कि हो सकता है आपको हवा को काउंटर करने के लिए, हवा को रोकने के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्टेयरिंग करनी पड़े। और दूसरा, इस साइन को देखकर आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तेज़ हवा साइड से आ सकती है, मेरी गाड़ी को हिट कर सकती है। अगला सवाल है, व्हाट मस्ट यू बी प्रिपेयर्ड फॉर अपॉन सीइंग दिस ट्रैफिक साइन, या आपने साइन देखा तो आपको किस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, या फिर वही हवा का साइन है। फॉर द नेसेसिटी ऑफ एडजस्ट, फॉर एडजस्टिंग स्पीड, अपनी स्पीड को, अपनी रफ्तार को आपने एडजस्ट करना होगा, हवा तेज़ है उसके हिसाब से आपने अपनी हवा को कम करना होगा, अपनी गाड़ी की रफ्तार को कम करना होगा। फॉर एन अल्टरनेशन इन द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द व्हीकल, गाड़ी का जो अंदाज़ है, गाड़ी जिस अंदाज में चल रही है आप उसको थोड़ी तब्दीली करनी होगी, हो सकता है कि हवा बहुत तेज़ हो, अगर आप गाड़ी बहुत तेज़ चलाएंगे तो ज़्यादा फोर्स के साथ आपकी गाड़ी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और आपकी गाड़ी आपकी लेन से बाहर निकल सकती है। तो आपको अपनी गाड़ी की स्पीड कम करनी पड़ सकती है और काउंटर स्टेयरिंग करनी पड़ सकती है, आपने अपनी गाड़ी का चलाने का अंदाज़ तब्दील करना है। एंड फॉर द नेसेसिटी फॉर काउंटर स्टेयरिंग, आपको ये भी जहन में रखना है कि आपने हवा की मुखालिफ स्थिति के अंदर अपनी गाड़ी का स्टेयरिंग घुमाना है ताकि जो हवा तेज़ है उसका असर आप ज़ाहिल कर सकें। अगला सवाल है, व्हाट मस्ट यू रिमेंबर व्हेन यू सी दिस ट्रैफिक साइन, ये साइन अगर आपने देखा है तो आपके जहन में क्या आना चाहिए। देखिए, ये अगर सर्दियों में, ये अगर बर्फ़ है और कुछ स्नो चेन हमारे टायर्स होते हैं, ये उसका मतलब है। इसके साथ आपको मैक्सिमम जो स्पीड अलाउ है वो है 50 किलोमीटर पर आवर, ये आपको जहन में बिठाना है। और अगर रोड के ऊपर ये साइन है तो आप स्नो चेन के साथ उस रोड के ऊपर जाएं, क्योंकि वहाँ बर्फ़ की शिद्दत ज़्यादा होती है और वो गाड़ी का कुछ स्लिपरी हो सकता है, कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ आप बगैर स्नो चेन के नहीं जा सकते। तो स्नो चेन की लिमिट 50 किलोमीटर पर आवर है और ये साइन स्नो चेन का है। टेक वही ट्रैक व्हीकल्स है प्रायोरिटी, ऐसा हमें यहाँ कोई साइन नज़र नहीं आ रहा कि जो ट्रैक की व्हीकल्स हैं, जैसे मवेशी फार्म ट्रैक की व्हीकल हो सकती हैं, डेयरी फार्म की व्हीकल हो सकती हैं, या कोई ट्रैक्टर हो सकता है, उसकी प्रायोरिटी यहाँ से हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। हमारे यही दो आंसर हैं। अगले सवाल पे चलते हैं, विच ट्रैफिक साइन रेफर्स टू द परमिसिबल टोटल मास, कौन सा है जो कि परमिसिबल टोटल मास होगा। देखें, सबसे यहाँ तो सिर्फ 5.5 टन लिखा हुआ है, यहाँ बता रहा है ट्रक 7.5 टन, ये है टोटल मास। देखिए, परमिसिबल टोटल मास जो मुकम्मल बता रहा है कि गाड़ी कौन सी है, यानी ट्रक और 7.5 टन, ये तो सिर्फ ये परमिसिबल टोटल मास नहीं है, ये सिर्फ उन्होंने मास बताया हुआ है, किस चीज़ का आपको नहीं पता, यहाँ कंप्लीट बताया हुआ है टोटल, एक तरह से ट्रक प्लस वेट। तो आप इस तरह ध्यान में रखें कि इसका जो आंसर है वो 2 है, वही आपका परमिसिबल टोटल मास है। अब अगले सवाल में आपसे पूछता है, व्हाट विच ट्रैफिक साइन रेफर टू एक्चुअल मास। अब देखिए, यहाँ पर कोई मास नहीं शो किया हुआ, यहाँ पर 5.5 टन लिखा हुआ है, वो आपसे पूछते हैं कि एक्चुअल मास क्या है। तो अब यहाँ पर तो सिर्फ आपने देखा कि आपके पास स्प्रिंटर या ट्रक का साइन है, यहाँ पर कोई मास नहीं है, तो मास यहाँ पर लिखा हुआ है 5.5 टन, तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वही इसमें दुरुस्त है।
अब चलते हैं अगले सवाल की जाने, विच व्हीकल्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम यूजिंग अ रोड साइन पोस्टेड लाइक दिस, कि एक रोड एक साइन ऐसा लगा हुआ है, कौन सी व्हीकल हैं जिनको यहाँ पर अलाउ नहीं है। देखिए, एक तो सुर्ख दायरा है, वो व्हीकल अलाउ नहीं है जिनका जो एक्सिल का वेट है, एक्सिल होता है जो कि आपके पहियों का वजन बर्दाश्त करता है, फ्रंट एक्सिल में आपके जो दो पहिए हैं वो फ्रंट एक्सिल कहलाते हैं, जो पिछले दो पहिए हैं वो रेयर एक्सिल कहलाते हैं। तो ये कह रहा है कि सवाल ये है कि विच व्हीकल्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम यूजिंग अ रोड साइन पोस्टर लाइक दिस, कौन सी व्हीकल्स हैं जो जिनको मना है। तो क्या है इसमें, वो व्हीकल्स जो कि जिनका परमिसिबल टोटल वेट नॉट एक्सीडिंग 2 टन विद एन एक्चुअल वेट एक्सीडिंग 2 टन, एक्चुअल वेट है अगर किसी गाड़ी का एक्चुअल एक्सिल वेट है वो 2 टन से ज़्यादा है 2 टन से, तो उसको अलाउ नहीं है। देखिए, हमेशा एक्चुअल वेट है, जो परमिसिबल है हमें परमिसल जो अलाउएबल है वो यहाँ पर ऐसा नहीं, क्योंकि परमिसिबल जो है वो 2 टन हो सकता है, लेकिन आपकी गाड़ी का उसके बावजूद जो आपका एक्सिल है उसका वेट ज़्यादा हो सकता है। तो एक्चुअल जो वाकई ही आपने मेजर किया हुआ जो नापा हुआ है वही एक्सिल वेट 2 टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो परमिसिबल है या परमिसिबल नहीं है, यहाँ टोटल जितना भी टोटल है एक्चुअल और टोटल वो है, परमिसिबल एक्सिल वेट की यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। जो एक्चुअल है, जो नापा हुआ है, जो आपने मेजर किया हुआ है, वही एक्सिल वेट एक्सीडिंग 2 टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर इसका मतलब है।